कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हो रही राजनीति दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मकेर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर नाराजगी व्यक्त किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस जिंदाबाद के नारा लगाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार बंद नहीं करने पर पार्टी कार्यकर्ता मजबूर होकर सड़क पर उतरने के लिए विवश हो जाएगा। प्रदर्शन में परमेश्वर शर्मा, मेहदी हसन, अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रभुनाथ राय, लाल बाबू राय, डॉक्टर राम रत्न शर्मा, मोहम्मद अफजल मेहदी, अभिषेक कुमार मिश्र, आशुतोष कुमार मिश्र, बिट्टू कुमार मिश्र शामिल थे। D11 टीवी के लिए मकेर से पप्पू मिश्रा की रिपोर्ट। राहुल गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार के संबंध में ये संदर्भ में है। आज जो राहुल गांधी की सदस्यता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, सदस्यता समाप्ति की ओर ले जाया गया, राहुल गांधी के विचारों के का भर्सना करना, राहुल गांधी सत्य बोलने के लिए तैयार हैं, इस हिंदुस्तान में व्याप्त जो दुर्दशा है राजनीतिज्ञों की, राजनीति की, देश की, जलवंत मुद्दों की, ये सब सच बोलने की वजह से जो कुछ ये दुर्दशा हो रही है, हम उसके विरोध में ये हमारा प्रदर्शन है, हमारी ये यात्रा है। हम गांव-गांव जाएंगे, हम गली गली जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, सत्य क्या है इसको हम बताएंगे, हम इसको बताने के लिए चले हैं, यही हमारी मंशा है। राजीव गांधी की सदस्यता बहाल करो। बहाल करो।